नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त शमीमा गयास। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली दस्तरखान में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे ओरियो शेक है, और बच्चे बहुत शौक से इसको पीते हैं और बहुत पसंद करते हैं। ये बाहर तो ये बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, बट हम घर में इनको रिजनेबल प्राइस पे अपने बना सकते हैं, और बच्चे भी बहुत शौक से इसको पसंद करते हैं। तो उसके लिए जो हमने चीजें ली हैं, ये हमने शुगर पाउडर ले लिया है, ये कुछ ओरियो बिस्किट्स ले लिए हैं, और ये हमारे पास बॉइल्ड मिल्क है, ठंडा कर लिया था। जितना ठंडा होगा इतना ही अच्छा शेक बन के तैयार होगा। बनाने के लिए हमने एक जार ले लिया है, इसके अंदर हम ये बिस्किट्स डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये 2 स्पून भर के हम शुगर डाल देंगे। ये शुगर पाउडर जो हमारे पास है, ये देखिए, आप मीठा अपने हिसाब से रख सकते हैं। हम इसके अंदर मिल्क शामिल कर देंगे, ये ठंडा मिल्क जो हमने लिया हुआ है, ये देखिए। अब हमारे पास ये चॉकलेट सिरप है, ये हम डाल देंगे। जितना आप पसंद करते हैं, जितना आपको डालना है उसके अकॉर्डिंग आप डालिए इसको। चलिए अब आपको इसको हम ब्लेंड करके दिखाते हैं। देखिए नाजीन, हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है मिल्क को। अब ये बनके हमारे तैयार हो गया। अब कुछ चीजें हम इसमें और ऐड करेंगे, आपको दिखा देते हैं। देखिए, मैंने अपना मग तैयार कर लिया है, इसमें हमने चारों तरफ चॉकलेट सिरप डाल दिया था। ये देखिए तैयार हो गया, इसको हमने फ्रीज कर दिया था कुछ देर के लिए। आइए अब हम इसके अंदर शेक डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नाजरीन, इसके ऊपर इसकी फ्रॉथ आ गई है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। नाजरीन, हम इसके अंदर आइसक्रीम शामिल कर देंगे 1 स्कूप। ये देखिए, आइसक्रीम तो वैसे ही बच्चों को बहुत पसंद होती है। आज तो आप फेवरेट मम्मा बनने जा रही हैं बच्चों की। देखिए, हमने कुछ ओरियो बिस्किट क्रश कर लिए हैं, ये हमने बचा लिए थे। इसके ऊपर से हम डेकोरेट कर देंगे इसको, और बच्चे खुश हो जाएंगे। नाजरीन, ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है। आंखों को जब इतना अच्छा लग रहा है तो पीने में कितना मजा आएगा इसको। तो आप भी अपने घर में जरूर जरूर ट्राई कीजिए, बच्चे आपको दुआएं देंगे, बहुत खुश होंगे, और आज ही आपको फेवरेट मम्मा का लकब मिल जाएगा। तो अपने घर में खूब ट्राई कीजिए, अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाकर बच्चों को खिलाइए, और उनकी दुआएं लीजिए आप। और नाजरीन, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने घर में ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान।